नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं बोल बुलबुल। दोस्तों, आज का वीडियो में इंटरव्यू में पूछे जाने वाला पीएलसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और उसका आंसर के बारे में मैं आपको आज पूरा डिटेल में समझाऊंगा दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख रहे दोस्तों, और जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम के लिए देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए, अगर आप हमें कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पीएलसी का ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, हमने टोटली 60 क्वेश्चन को लिए हैं, और फिर 60 क्वेश्चन को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। यानी हर एक वीडियो पे आप 10 क्वेश्चन एंड आंसर मिलेगा। इसी तरह का और 5 वीडियो आने वाला है दोस्तों। सभी वीडियो का अगर आप देख लेंगे तो आपको पीएलसी के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रीफली डिफाइन द टर्म सिस्टम लेआउट। सिस्टम लेआउट किसे कहते हैं? अगर ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिस्टम लेआउट, तो सिस्टम लेआउट का मतलब क्या है? सिस्टम लेआउट है दोस्तों कि हम लोग पीएलसी पैनल को कहाँ पे बिठाएंगे, उसका इंटरकनेक्शन कैसे करेंगे, और ऐसे जगह पे बिठाना है जैसे हम फ्रीली काम कर सके, उसका एनवायरनमेंट सही हो, कंट्रोलर सही तरीके से काम करे। ये जो टोटल जो अप्रोच है इसको हम बोलते हैं सिस्टम लेआउट। यानी पैनल को कहाँ पे बिठाना है, कैसे कनेक्शन करना है, रैक को सब कहाँ लगाना है, एनवायरनमेंट को देखना है दोस्तों कि कौन सा एनवायरनमेंट है। यानी ज़्यादा डस्ट हो रहा है या ज़्यादा हीट पैदा हो रहा है, ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, ये सभी को देख के हमको पैनल का लोकेशन चूज करना है। ये सभी बातों को बोलते हैं सिस्टम लेआउट। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? क्या स्टेटमेंट है दोस्तों? इन ए प्रॉपर सिस्टम लेआउट द कंपोनेंट्स कैन बी इजीली मेंटेन्ड, बट कंपोनेंट्स मे नॉट बी इजीली एक्सेसिबल। यानी एक प्रॉपर सिस्टम लेआउट में जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो तो इजीली मेंटेनेंस हो सकते हैं, लेकिन उतना इजीली एक्सेसिबल नहीं होते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है? इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि प्रॉपर सिस्टम लेआउट में हम लोग इजीली मेंटेनेंस भी कर सकते हैं और इजीली एक्सेसिबल भी कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, नेम 3 टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट अदर देन द पीएलसी दैट कैन फॉर्म पार्ट ऑफ द सिस्टम लेआउट। पीएलसी के अलावा और 3 चीज़ों का नाम बताएं जो सिस्टम लेआउट में आते हैं। उसका आंसर है दोस्तों, पीएलसी में तो हम लोग जानते हैं कि इनपुट कार्ड्स होता है, आउटपुट कार्ड होता है, सीपीयू होते हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या चीज़ सिस्टम लेआउट में रहते हैं? तो दोस्तों, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर रहता है, ऑक्सिलरी पावर सप्लाई कुछ रहते हैं, सेफ्टी कंट्रोल रिले भी लगे होते हैं, सर्किट ब्रेकर होते हैं, फ्यूज ब्लॉक्स होते हैं, और लाइन नॉइज सप्रेसर। अगर उसी एरिया में ज़्यादा नॉइज आ रहा है तो फिर उसको नॉइज को सप्रेस करने के लिए ये भी लाइन नॉइज सप्रेसर लगे होते हैं दोस्तों। पीएलसी के अलावा ये कंपोनेंट सिस्टम लेआउट में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, द बेस्ट लोकेशन फॉर द पीएलसी एनक्लोजर इज। पीएलसी एनक्लोजर के लिए बेस्ट लोकेशन क्या है? ऑप्शन ए में है क्लोज टू द इनकमिंग पावर, ऑप्शन बी इन द कंट्रोल रूम, ऑप्शन सी क्लोज टू द मशीन और प्रोसेस, ऑप्शन डी फार अवे फ्रॉम द मशीन और प्रोसेस। ऑप्शन ए में है इनकमिंग पावर जहाँ पे है उसी के नज़दीक रखना पीएलसी पैनल को, या ऑप्शन बी में है कंट्रोल रूम में रखना, ऑप्शन सी में है मशीन और प्रोसेस के पास रखना पीएलसी एनक्लोजर को, और लास्ट में बहुत दूर रखना, मशीन और प्रोसेस से बहुत दूर रखना। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, मशीन और प्रोसेस के पास पीएलसी एनक्लोजर को रखना, ये सही लोकेशन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्लेसिंग ए रिमोट आईओ पैनल क्लोज टू द कंट्रोल्ड मशीन विल जनरली। यानी ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 से रिलेटेड है। अगर हम पीएलसी पैनल को मशीन के पास रखेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन ए में है सिंप्लीफाई स्टार्टअप, मिनिमाइज वायर रन्स, ऑप्शन सी सिंप्लीफाई मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग,
या लास्ट वाला ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। यानी अगर हम रिमोट आईओ पैनल को मशीन के पास रखेंगे तो हमको ये सारे फायदे होने वाले हैं। सिंप्लीफाई स्टार्टअप होगा, मिनिमाइज वायर रन और सिंप्लीफाई मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग होगा। यानी ए बी सी ये तीनों का फायदा हमको मिलेगा अगर हम रिमोट आईओ पैनल को मशीन के पास रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ए पीएलसी पैनल एनक्लोजर कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। एक पीएलसी पैनल का एनक्लोजर किसके खिलाफ प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है। ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है एटमोस्फेरिक कंटेमिनेंट, बी वाइब्रेशन, सी कंडक्टिव डस्ट और 4 मॉइस्चर। यानी एक पीएलसी पैनल हमको मॉइस्चर के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है, डस्ट के खिलाफ भी प्रोटेक्शन देता है। अगर पैनल डोर को हम बंद कर देंगे तो अंदर डस्ट नहीं जाएगा, अंदर मॉइस्चर नहीं जाएगा, एटमोस्फेरिक कंटेमिनेंट्स के खिलाफ भी प्रोटेक्शन देता है, लेकिन वाइब्रेशन के खिलाफ प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाइब्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7, नेम 4 गाइडलाइंस कंसर्निंग द प्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट्स इनसाइड द एनक्लोजर, द वायरिंग ऑफ आईओ एंड द लोकेशन ऑफ द एनक्लोजर। 4 गाइडलाइन बताएं कंपोनेंट्स को कैसे प्लेसमेंट करना है, वायरिंग कैसे करना है और पैनल को कहाँ पे लोकेट करना है, इसके बारे में 4 गाइडलाइन बताएं। तो इसका आंसर है दोस्तों एनक्लोजर बिठाने का गाइडलाइन है कि एनक्लोजर को ऐसी जगह बिठाएं जहाँ पे उसका डोर को आप पूरी तरह खोल सकें और इजीली आप मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग का काम कर सकें और वायरिंग को भी अच्छी तरह से देख सकें। द एनक्लोजर शुड बी डीप एनफ टू अलाउ क्लियरेंस बिटवीन द क्लोज एनक्लोजर डोर एंड आइदर द प्रिंट पॉकेट माउंटेड ऑन द डोर और द एनक्लोज्ड कंपोनेंट्स एंड रिलेटेड केबल्स। द एनक्लोजर बैक पैनल शुड बी रिमूवेबल टू फैसिलिटेट माउंटिंग ऑफ द कंपोनेंट्स एंड अदर असेंबली। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, एन इमरजेंसी डिस्कनेक्ट डिवाइस शुड बी माउंटेड इन द कैबिनेट इन एन इजीली एक्सेसिबल लोकेशन। दोस्तों पीएलसी एनक्लोजर के अंदर अगर आप इमरजेंसी स्टॉप लगा रहे हैं या कोई इमरजेंसी स्विच लगा रहे हैं तो उसी स्विच को ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे आप इजीली एक्सेसिबल हो सके। अगर आप एसी पावर आउटलेट्स, इंटीरियर लाइटिंग और इनपुट कार्ड्स और प्रोसेसर को देखने के लिए अगर आप ग्लास विंडो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन करने के दौरान। क्वेश्चन नंबर 8, ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स। प्लेसिंग एसी पावर आउटलेट्स इनसाइड द एनक्लोजर शुड बी अवॉइडेड व्हेन पॉसिबल। क्या एनक्लोजर के अंदर एसी पावर आउटलेट्स लगाना चाहिए या उसको अवॉइड करना चाहिए, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। दोस्तों ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि हमको एसी सप्लाई चाहिए। एसी सप्लाई चाहिए क्योंकि जब भी हम पीएलसी को स्टार्टअप करते हैं तो उसी समय हमको एसी सप्लाई चाहिए और जब भी हम पीएलसी पैनल का मेंटेनेंस करेंगे ब्लोइंग करने के लिए हमको भी एसी सप्लाई चाहिए। तो इसीलिए एक एसी सप्लाई अगर पीएलसी पैनल के अंदर रहेगा तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 9, टाइपिकली प्रोग्रामेबल कंट्रोलर सिस्टम इंस्टॉल इनसाइड एन एनक्लोजर कैन विदस्टैंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ। यानी जो पीएलसी कंट्रोलर रहते हैं वो मैक्सिमम कितना टेम्परेचर वो विदस्टैंड कर सकते हैं। हमें क्या है 60 डिग्री आउटसाइड द एनक्लोजर, ऑप्शन बी 50 डिग्री आउटसाइड द एनक्लोजर, ऑप्शन सी 60 डिग्री इनसाइड द एनक्लोजर या ऑप्शन डी 50 डिग्री इनसाइड द एनक्लोजर। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है 60 डिग्री इनसाइड द एनक्लोजर। 60 डिग्री टेम्परेचर एनक्लोजर के इनसाइड तक वो संभाल सकते हैं। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ हॉटस्पॉट्स आर जनरेटेड इनसाइड द एनक्लोजर ए और आन डैश शुड बी इंस्टॉल्ड टू हेल्प डिसिपेट द हीट। अगर हॉटस्पॉट पैदा हो रहा है पीएलसी एनक्लोजर के अंदर तो हमको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर भी बहुत सिंपल है, इसके लिए हमको एक फैन और ब्लोअर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फैन लगाना पड़ेगा नहीं तो ब्लोअर लगाने से ये जो हॉटस्पॉट वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, पीएलसी के बारे में आपको कुछ आइडिया हो गया होगा।
तो दोस्तों इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेरे साथ ये वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बोल बुलबुल।